पार्टी ने पंजाब सरकार के खिलाफ बिजली अंदोलन की शुरुआत एक बार फिर तो कर दी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मांग है कि सरकार ने लॉकडाउन के 3 महीनों का बिल पंजाब के सारे लोगों से व्यापारियों भेज दिता है जो कि वह नहीं भर सकते। इसलिए सरकार को उन्होंने 3 महीनों का बिल माफ करना चाहिए। जेकर सरकार ने अजिहा ना किया तो सरकार के खिलाफ आने वाले समय में बड़ा संघर्ष छेड़िया जाएगा। हुण भी आम आदमी पार्टी वालों सरकार के खिलाफ 2 दिन का धरना ऐलान किया गया जो कि सारे जिलों के लाया जाएगा। किस तरह आम आदमी पार्टी के विधायक और बिजली अंदोलन के कन्वीनर मीतहर ने सरकार को चेतावनी दी है कि पंजाब के लोगों को डायरैक्ट बेनीफिट देने के नाल नाल 3 महीने के बिजली बिल माफ किए जाने चाहिए ने, तुसीं खुद ही देख लो। जदों का लॉकडाउन होया, जदों की करोना की महामारी चल रही है, जिहड़ी साडी पंजाब सरकार है, चाहे वह व्यापारी होण चाहे पंजाब के आम लोग होण, उन्हां नूं ना तो कोई डायरैक्ट बेनीफिट दिते गए है तो ना ही सरकार द्वारा जिहड़ी कोई होर सहूलत उन्हां नूं प्रोवाइड करवाई गई है। जिहड़े पंजाब नूं बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने इदां लगता जिवें जदों का लॉकडाउन चलिया भी लवारस छड्डिया होया गा। सो लॉकडाउन तो पहला भी पंजाब असी 3 साल हो गए सानू प्रोटेस्ट करदिआं नूं, सानू असैंबली दे विच बिल पेश करदिआं नूं कि पंजाब साडा इक्को इक सूबा है जिहड़ा पूरे हिंदुस्तान तो सब तो महंगी बिजली असी खरीद भी रहे हां, ते उदू बाद लोकां नूं भी पंजाब दिआं नूं सब तो महंगी बिजली जिहड़ी पूरे हिंदुस्तान दे लोकां नालों खरीदनी पै रही हैगी। सो उम्मीद सी कि जिथे लॉकडाउन दे विच जिथे लोगों के रुजगार चले गए, जिथे लोगों के व्यापार खड़ गए, जिथे लोगों दी नौकरियां चलिया गई, भी इस टाइम सरकार घट्टो घट कोई ना कोई लोगों की बांह फड़ ली, कोई ना कोई हीला वसीला करूगी। तो सरकार ने इहदी अनाउंसमेंटा कीतियां भी, पर वह भी अनाउंसमेंट इन्होंने 20 अप्रैल दे विच 7 अप्रैल दीआं खबरां लगियां होईआं अखबारां दे विच कि असी जिहड़े व्यापारी ने उन्हां नूं जिहड़े कमर्शियल जिहड़ी बिजली है उहदे असी जिहड़े फिक्स चार्जेस है उह असी माफ़ करांगे, ते 350 करोड़ दा जिहड़ा पैकेज कह लो जां जिहड़ी सबसिडी कह लो इहदे लई अनाउंस कीता गया वी इह जिहड़ी बिजली दी असी सबसिडी देवांगे। पर जिमें पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह दी जिमें होर वादे लोगों के नाल चाहे शुरू तो ही चाहे नौकरियां दे होण चाहे कर्जा माफ़ी दे होण चाहे गरीबों नूं प्लाट देण दे होण जिमें हर वादे तो पहला भी मुकरदे रहे आ, इस तरह ये जिहड़े फिक्स चार्जस जिहड़े व्यापारियों के माफ़ करने सी जां गरीबों नूं कोई रियायत देनी सी, पंजाब के आम लोगों नूं कोई सबसिडी देनी सी, उह तों भी मुकर गए। तो हुण लगातार जिन्ना टाइम तो लॉकडाउन चल रहा है जिहड़े व्यापारी है चाहे वह छोटिया दुकानों वाले है चाहे कोई रेस्टोरेंट वाले है चाहे होर कोई फैक्ट्रीज वाले है सब नू लगातार जिहड़े फिक्स चार्जस तो आई रहे हैं, उस तो अलावा भी जिहड़ा उन्हां नू पिछली बार के आधार पर एवरेज जिहड़े बिल पा के भेज दिते गए। असी जे वैसे आम जिहड़ी रेजिडेंशियल बिजली की भी गल करी तो पिछली बारी थोड़े सारे के ध्यान होना है कि साढ़े जोड़े आम तौर पर जोड़े ए सी ने जोड़े कूलर ने मार्च महीने के चल पे है, इस बारी मई तक लोगों ने ए सी तक नहीं लाए, वह जी रेजिडेंशियल बिजली के बिल भी पिछली बार के आधार पर भेजे गए। जे असी कंपेरिजन करना हो जिन्या पिछले साल मार्च अप्रैल मई के यूनिटा फुकदिया से लोगों दियाँ तो जिन् ऐतकी फुकदियां ने उन्होंने जमीन आसमान का फर्क सी, पर वह भी आधार पर रेजिडेंशियल के भी एवरेज पा के भेज दिए गए, तो जोड़े कमर्शियल से उन्होंने तो उस तो भी वही मार पई नाले फिक्स चार्जस ला के भेजे गए, तो नाले एवरेज आधार पर जिन्ना बिल पिछले साल बनता सी इन्हां महीनों के ला के जिहड़ा भेज दिता गया। सो ये नाल असी समझते हाँ कि पंजाब के लोगों पर जिन्हां ते पहला ही महामारी ने लॉकडाउन ने जिन्हां बेरोजगारी दी जां नौकरियां चलिया गई जां व्यापार नूं घाटा पिया वह मार सहनी पई, उहदे नाल मैं समझदा कि जिहड़े बिल दे पै रहे आ इहदे नाल होर वड्डी जिहड़ी मार है वह सहनी पै रही है। सो साडी सरकार नूं इही असी आने वाले दिनों च वीरवार ते शुक्रवार नूं कल ते परसों पंजाब दे सारे जिलों के असी धरने लाने हैं। असी ये मंग करनी है कि जिथे सरकार नूं डायरैक्ट बेनीफिट देने चाहिए सी, क्योंकि जे असी पंजाब च इंडस्ट्री नूं प्रमोट करना असी कल्ला यही कहते कि कल्ले
बिल माफ नाल ही सर जूगा क्योंकि जो असं डायरैक्ट बेनीफिट देवे क्योंकि अज पंजाब के लोगों को बच्चों दीसा देने पैसा नहीं उन्हां कोले जिहड़े किराए ते रहिंदे आ किराया भरन लई पैसा नहीं उन्हां कोले बिजली दे बिल देण लई पैसा नहीं जे उन्हां कोले जिहड़ियां इह नसैसरी चीज़ां ने जिहड़ियां इन्हां दे लई पैसा नहीं तुसीं दसो तां उह घर दीआं होर वस्तुआं खरीदण लई कित्थों पैसा लियाउणगे उह जिहड़े बंदे कोले अज बिजली दा बिल देण लई फीसां भरन लई पैसा नहीं उह कित्थों सोचूगा वी मैं घर विच कोई नवा कोई मैं कोई चीज़ लियानी है कोई प्रैस लियानी है कोई फोन लियाना वह तो फिर ही लियाऊगा ना जो पहला वोदिया जिहड़ियां बेसिक चीज़ा ने जिहड़ियां उहदियां पूर्ति होगी सो सरकार नूं चाहिदा सी इंडस्ट्री भी फिर ही चल सकती है जे थल्लों डिमांड है जिहड़ी वह क्रिएट होगी डिमांड तां क्रिएट होगी जे लोकां नूं जिहड़े इदां दीआं राहतां ने बिजली दी जिहड़ी हैगी जिहड़े बिल माफ होणगे ते जिहड़े डायरैक्ट बेनीफिट है जिवें दिल्ली च दिल्ली सरकार ने दित्ते आ चाहे वह टैक्सी ड्राइवर सी चाहे जिहड़े पेंशनर सीगे उन्हां नूं डबल पेंशन दे के चाहे कोई होर जिहड़े छोटे व्यापारी सी उन्हां नूं डायरैक्ट बेनीफिट दित्ते सो असी डायरैक्ट बेनीफिट की भी जिहड़ी मंग कर रहे हैं ते नाल असी सारे जिलों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं भी एक तो तीन महीनों के जिहड़े है आम लोग है उन्हां दे जिहड़े बिजली के बिल माफ़ किए जाण ते जिहड़े व्यापारी है जिन्हां दे सिर ते मैं समझदा कि स्टेट की इकोनमी चलती है क्योंकि जे व्यापारी डुब गए तो स्टेट की इकोनमी डुब जूगी पंजाब डुब जूगा उन्हां दे जिहड़े बिल ने जिहड़े फिक्स चार्जेस है वह भी माफ़ किए जाण ते जिहड़े एवरेज बिल पा के भेजे है वह भी माफ़ किए जाण असी जिला लैवल ते भी धरने लावांगे ते जे ना सरकार ने जिहड़ियां बिल्कुल साडियां जायज़ मंगां ने ना मन्नियां तां असी आउण वाले समें च पंजाब पद्धर ते भी जिहड़ा प्रोटेस्ट करके जिहड़ी सुत्ती पई सरकार है उहनूं जगाउण दी जिहड़ी है कोशिश करदे रहांगे।